हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप प्रधान लेकर आया हूं आज के करंट अफेयर्स। आज है 14 जनवरी 2019 और 14 जनवरी 2019 को करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग आज इस वीडियो एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो 14 जनवरी है तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को मानद पदवी से सम्मानित किया है? रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज ऑनर्ड द हेड ऑफ द आर्मी ऑफ व्हिच कंट्री? वी हैव फोर ऑप्शंस, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल एंड नन ऑफ दीज। आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस वी हैव, आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज नेपाल। इसके बारे में जानेंगे अगला स्लाइड में। जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को नेपाल के सेना प्रमुख जनरल, उनका नाम है पूर्णचंद्र थापा को भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी से सम्मानित किया। एंड इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे, सेना के तीनों सेवाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। नेपाल का नाम आया तो कैपिटल करेंसी का नाम भी याद करते चलेंगे। तो इसका कैपिटल हो गया काठमांडू, करेंसी हो गया नेपाली रुपी। एंड इम्पोर्टेंट न्यूज जो रिसेंट रिलेटेड है नेपाल से वो भी जान लेंगे। जो है द नेपाल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन इंडियन करेंसी अबव रुपीज 100। तो 100 रुपये से बड़ा नोट बैन हो गए हैं नेपाल में इंडिया का। तो बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मदत्त को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? रिसेंटली ब्रह्मदत्त वाज अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरपर्सन ऑफ व्हिच बैंक? चार ऑप्शंस हैं, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई बैंक एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है यस बैंक। इसके बारे में जानेंगे अगला स्लाइड में। यस बैंक ऑन सैटरडे अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रह्मदत्त एज नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन। ओके, नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति किया गया। किनको? ब्रह्मदत्त को। एंड दत्त जो है ये 1973 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ कर्नाटक कैडर, कर्नाटक कैडर के 1973 बैच के आईएएस ऑफिसर है। ओके, एंड हैज बीन ऑन द लैंडर्स बोर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिंस जुलाई 2013। तो और एक पॉइंट से है जो है, ही इज करेंटली ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द बैंक्स नॉमिनेशन एंड रेनुमिनेशन कमिटी। तो उनका अपॉइंटमेंट कब तक है? जुलाई 2020 तक। ओके, तो यस बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था वो भी जान लेंगे। तो उसका फाउंडेशन हुआ था 2004 में। एंड इंटरिम चेयरमैन जो है ब्रह्मदत्त है। एंड प्रेजेंट टाइम के सीईओ एंड एमडी कौन है? राणा कपूर जी। ओके, बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक नई दिशाएं नया निर्माण नया भारत किसने जारी की है? Who has recently released अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक न्यू डायरेक्शंस न्यू कंस्ट्रक्शन न्यू इंडिया? वी हैव थ्री एंड फोर ऑप्शंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है नीति आयोग। ओके, इसके बारे में जानेंगे अगला स्लाइड में। जो है नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन ऑन फ्राइडे रिलीज्ड द अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक नए दिशाएं नया निर्माण नया भारत ऑन द ईव ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। कब किया गया? ऑन द ईव ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिन पर। ओके, सो ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूथ डे। जैसे हम सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद का जो बर्थडे डे है उसको नेशनल यूथ डे के रूप में भी मनाया जाता है। एंड टू हेल एंड टेक फॉरवर्ड द स्पिरिट ऑफ टिंकरिंग एंड इनोवेशन अक्रॉस द कंट्री एंड द हैंडबुक वाज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग कौन रिलीज किए हैं? नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन है? अमिताभ कांत जी। ओके, एंड द मिशन डायरेक्टर्स रामनाथन रमनन, डेल ईएमसी एमडी आलोक ओहरी एंड लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन चेयरपर्सन जो कौन है उनका? अंजलि प्रकाश। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर जो है,
हाल ही में भारत के लिए 10,000 वनडे रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज कौन बने हैं? Who is the fifth batsman who has scored 10,000 ODI runs recently for India? चार ऑप्शंस में से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज एमएस धोनी, जो सभी को आपको पता होगा कि एक स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन जाता है। तो धोनी अगर फिफ्थ पोजीशन पे हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पे कौन कौन है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो फर्स्ट पोजीशन में हो गए सचिन तेंदुलकर, सेकंड में हो गए सौरभ गांगुली, थर्ड में हो गए राहुल द्रविड़ एंड फोर्थ में हो गए विराट कोहली। सो अभी धोनी जो है फिफ्थ पोजीशन में, ओके। एंड धोनी ब्रॉट अप हिज 10,000 ओडीआई रन फॉर इंडिया इन हिज 330th मैच फॉर द कंट्री, ओके। एंड एमएस धोनी हैज स्कोर्ड 967 हाफ सेंचुरीज फॉर इंडिया इन वन डे इंटरनेशनल्स। सो एक स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, एंड ये भी क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आज का, जो है हाल ही में किस खिलाड़ी ने SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की सदस्यता प्राप्त की है? व्हिच प्लेयर हैज रिसेंटली रिसीव्ड द मेंबरशिप ऑफ द SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड? सो वी हैव फोर ऑप्शंस, विराट कोहली, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर एंड स्टीव स्मिथ। आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शंस आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, व्हिच इज विराट कोहली। इसके बारे में जानेंगे अगला स्लाइड में। कोहली, विराट कोहली एंड शास्त्री, रवि शास्त्री रिसीव्ड ऑनररी मेंबरशिप ऑफ SCG। सो अपार्ट फ्रॉम कोहली एंड शास्त्री, द ओनली अदर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स टू बी ग्रांटेड द ऑनररी मेंबरशिप ऑफ द SCG कौन है? आइकॉनिक सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडिया एंड ब्रेन लारा ऑफ द वेस्ट इंडीज, ओके। एंड ये जो है न्यूज लास्ट पॉइंट में जो है, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया 2-1 इन द फोर्थ मैच टेस्ट सीरीज एंडिंग द कंट्रीज 71 ईयर्स ओल्ड वेट, ओके, 71 साल बाद। सो लेट्स, दो क्वेश्चन स्पोर्ट्स का आज का इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर, जो है वन मैन वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई? वन फैमिली वन जॉब स्कीम लॉन्च्ड इन विच स्टेट? चार ऑप्शन है हमारे पास, सिक्किम, गुजरात, उड़ीसा और झारखंड। सो आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, व्हिच इज सिक्किम। इसके बारे में जानेंगे। द स्कीम एनविजन्स एम्प्लॉयमेंट टू ए मेंबर ऑफ एवरी फैमिली व्हिच डज नॉट हैव ए गवर्नमेंट जॉब इन द स्टेट, एंड अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत ऑल लोन्स डेट इन द फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर शुड बी रिवोक्ड। सो इसको लॉन्च कौन किए? तो लॉन्च बाय प्रेजेंट टाइम के सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर है, तो उनका नाम हो गया पवन कुमार चमलिंग। सो बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, IDFC बैंक का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ प्राइवेट सेक्टर लैंडर IDFC बैंक? सो नया नाम पूछा है, चार ऑप्शन है, IDFC न्यू बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC सुपर बैंक लिमिटेड। सो आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, व्हिच इज IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। इसके बारे में जानते हैं अगला स्लाइड में, जो है IDFC बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट इज NBFC कैपिटल फर्स्ट कंप्लीटेड देयर मर्जर, कब हुआ मर्जर? ऑन 18 दिसंबर 2018, ओके। एंड वी विद्यानाथन फाउंडर ऑफ कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, वी विद्यानाथन जो है फाउंडर है किसके, कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, वॉज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड CEO किसके, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के, ओके। तो CEO एंड MD हो IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के कौन होगी? वी विद्यानाथन, ओके। सो बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन द जनरल कैटेगरी? वी हैव फोर ऑप्शंस, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। सो आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शंस आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, व्हिच इज गुजरात। इसके बारे में जानेंगे अगला स्लाइड में। तो जो है
Gujarat has become the first state to provide a 10% reservation in jobs and educational institution to the economically weaker section in the general category. And ये applicable कब से होगा? आज से, जो है 14 January 2019. और क्या है इसके बारे में जानते हैं? The eligibility of the new quota will be applicable only for which the announcement for jobs and admission have been made, but the process has not yet begun. Okay. So let's proceed to the next question. Next question we have Muhammad Zulfikruddin was passed away. He was belongs to which sport? वे किस खेल से संबंधित थे? तो वो फुटबॉल से संबंधित थे. इनके बारे में जानते हैं अगला स्लाइड में. तो वो जो थे फॉर्मर इंडिया फुटबॉलर मोहम्मद जुल्फिकरुद्दीन पास्ट अवे. उनका देहांत कब हुआ? 13 जनवरी 2019 को. एंड ही वाज द पार्ट ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम व्हिच टुक पार्ट इन 1956 ओलंपिक्स. कहां पे हुआ था? मेलबोर्न में. एंड ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 1958 टोक्यो एशियन गेम्स एंड द मर्डेका कप इन द मलेशिया. वे आंध्र प्रदेश संतोष ट्रॉफी 1955 से 1967 के बीच जो हुआ था उसमें कैप्टन भी थे. ओके, सो बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर. सो आज का 10वां क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप एसोसिएशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सो इंडिया लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ओके, इकोसिस्टम वाज इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट? चार ऑप्शन है हमारे पास, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरला. सो आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शंस आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी व्हिच इज केरला. इसके बारे में जानेंगे अगला स्लाइड में. द इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स अंडर द केरला स्टार्टअप मिशन व्हिच इंक्लूड्स द अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी ऑफ मेकर विलेज दैट प्रमोट्स हार्डवेयर स्टार्टअप्स एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बी नेस्ट दैट प्रमोट्स मेडिकल टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स which is the country's first international accelerator for hardware startups. So Kerala ka naam aaya to lage haatho capital CM aur governor ka bhi naam yaad karte chalenge. To Kerala ka capital ho gaya Thiruvananthapuram, present time ka chief minister ho gaya Pinarayi Vijayan and governor ho gaya Panasami Sathasivam. So badhte hain aaj ka agla question ki aur. Ab hamare paas hai exclusive current affairs, some exclusive current affairs. तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो पॉइंट है मैंने चूज करके लाए हैं, चलिए बढ़ते हैं उसमें. सऊदी अरेबिया टू सेट अप $10 billion ऑयल रिफाइनरी इन पाकिस्तान. अमेज़न इन्वेस्ट ₹300 crore इन इंडियन पेमेंट्स आम अमेज़न पे. रशिया loses control of its only radio telescope satellite. Yes Bank appoints Brahmadat as part-time chairman. इस क्वेश्चन को मैंने इससे पहले इंक्लूड भी किया था एंड इसके बाद वालों को मैंने इंक्लूड किया था. ओके, सो इट विल रिवाइज. सो IDFC बैंक रीनेम्ड IDFC फर्स्ट बैंक पोस्ट मर्जर विद कैपिटल फर्स्ट. ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लेकर आया इसको आप गौर से देखिए. और भी मैंने लाया है, इंडिया टू बिल्ड 44 स्ट्रेटेजिक रोड्स अलोंग चाइना बॉर्डर. फ्यूचर ग्रुप टू एंटर फूड डिलीवरी स्पेस विद क्लाउड किचन्स. LIC's मार्केट शेयर फॉल बिलो 75%. कौन सा फाइनेंशियल ईयर में? तो फाइनेंशियल ईयर 18 में. गुजरात टू इंप्लीमेंट 10% कोटा फॉर जनरल कैटेगरी. ओके, इसको भी मैंने इंक्लूड किया है. एंड व्हाट्सएप को फाउंडर जैन कॉम टू सेल 10% तो व्हाट्सएप के कोफाउंडर का नाम हो गया जैन कॉम. तो बढ़ेंगे और क्या हमारे पास. फ्लिपकार्ट को फाउंडर सचिन बंसल इन्वेस्ट ₹150 crore इन ओला. पुडुचेरी टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम मार्च 1, जो कि बहुत अच्छा काम होने वाला है. तो पुडुचेरी ने 1 मार्च से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने वाला है. सो अवर नेक्स्ट ऑप्शन लाइन लास्ट ऑप्शन इज एक्स गोवा रणजी क्रिकेटर राजेश गोडजे डाइड एट 43 आफ्टर कोलैप्सिंग ऑन फील्ड.
सो विद दिस वी विल एंड दिस सेशन. सो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा. मैं ऐसे ही सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा. सो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.